एमबीए वाले काफी बार कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, ओके। और एक आता है कोचिंग मेथड, एक आता है कोचिंग मेथड कि हम वहीं पे हमने अपने जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ऑफिस है, वहीं पे हमने केबिन बनाया हुआ है कि वहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे या कई बार वीक में एक दिन। तो ये सब जाते हैं फाइनेंस कंपनीज में, कोचिंग मेथड को फॉलो करता है, कोचिंग मेथड फाइनेंस कंपनी में आती है, ओके। जो भी इंस्ट्रक्शंस कि आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करा और उसको वर्क प्लेस काम करने के लिए छोड़ दिया, और वहां पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बार बार कि आप इसको एक मशीन है वो चल रही है, वो मशीन के हमने छोड़ा कि आप तुम इस मशीन को ऑपरेट करोगे, इसको देखोगे, तो हम उसको वहां पर सिखाएंगे इसका क्या टाइमिंग होगा, किस टाइमिंग पे इसको ऑन करना है, किस टाइम पे इसको ऑफ करना है, किस टाइमिंग पे इसको स्लो करना है और कहां पर इसको हाई करना है। तो ये वाला कहां पर आएगा, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, क्योंकि वहां पर हम उसको बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी देख रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग यहां पर एक ट्रेनिंग होगी, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में हम क्या करेंगे कि कई बार हम उसको सेफ साइड में लेके चलते हैं एक्चुअली जॉब रोटेशन को, कि कई बार हम कुछ बंदे एडवांस में रखते हैं कि अगर हमारा स्टाफ, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अगर हमारे यहाँ एक दो तीन चार स्टाफ कभी नहीं आता है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनी को काफी नुकसान हो जाता है। तो वहाँ पे वो कुछ स्टाफ को जो उसका मतलब बेसिक काम है, जिस स्टाफ का वो काम है, वो काम लेके चलता है कि ये तो उसको सिखाने सिखाने। लाइक किसी को ऑटोमोबाइल कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था, तो एक इंजीनियर को क्या करना है कि उसके व्हील्स को बांधना है, ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट आप जानते हो सारा कुछ अलग अलग आता है। एक को उसकी सीटें देखनी है, ओके, एक उसको ऑयल टैंक देना है, देखना है। तो जो ऑयल टैंक वाला है उसको एक बार के लिए थोड़े टाइम के लिए उसको व्हील्स का काम भी सिखाएंगे कि बाई चांस कभी व्हील वाला बंदा नहीं आया तो कम से कम उसका प्रोटेक्शन, उसका काम, उसका ऑपरेशन तो बंद नहीं होगा।